बन गया है, इसको उठाएंगे और यहाँ तक ये तरीका है, इसको पीछे भी पकड़ेंगे और इसको यहाँ से ले जाएंगे। यह तरीका यह देख लीजिए, इसलिए कि यह इसका सिर भी स्थिर हो, शरीर स्थिर हो और यह पीछे स्लिप भी ना करे, क्योंकि यह अकेला है और वजन में आपसे बड़ा है। आप ज्यादा झुकेंगे नहीं, आप सीधा रहेंगे और सुरक्षित जगह पे जाके थोड़ी दूर पे जाके अपने आप को बचाते हुए भी इसको सुरक्षित जगह पे प्राथमिक उपचार करते हुए वहां तक लेके जाएंगे और वहां जाके इसको पटक नहीं देना है आपको, क्योंकि आप इनकी सेवा कर रहे हैं। उस समय यह उल्टी भी कर सकता है या दस्त भी कर सकता है। अरे इधर घूमो रे, इधर घूमो। उससे होने वाली परेशानी, उससे होने वाले खतरे से हम बच सकते हैं। केवल अगर आप सावधानी बरतेंगे, उसको सावधान रखेंगे तो उससे बचा जा सकता है। हमारा हम जो काम करते हैं, हमसे मतलब है अपने लोग तो कमरे में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन घर से चलकर विद्यालय आते हैं, विद्यालय से चलकर घर को जाते हैं। घर से विद्यालय आने में तो उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी घर से विद्यालय से जब घर जाते हैं। विद्यालय से जब घर जाते हैं आप, तब आपको धूप की परेशानी झेलना पड़ता है। दिन के एकदम मध्य में जाते हैं, 1 बजे, 12:30 बजे, 1:30 बजे, इस समय देखिए धूप कितना तेज रहता है। उस समय आप देखेंगे हवा जो बहती है, गौर से देखिएगा तो लगेगा ऐसे ऐसे चल रहा है, कुछ गेम चल रहा है। तो आप केवल विद्यालय से घर जाते हैं, ये परेशानी सोचिए किसान को कितनी परेशानी होती है। उसका काम ही है, पूरा काम खेत में ही है, वो अगर धूप को देखते हुए सावधानी के बाद बावजूद भी तू अगर लग गया तो उसके बाद का उसका क्या उपाय होना चाहिए, इन सभी बातों पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर हम जान जाएंगे इन सभी कारणों से परेशानी होती है, इसका उपाय इस तरह होता है, तो हमें लू लगने की संभावना कम होगी और उससे होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं कि खतरा को हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन खतरा से होने वाले प्रभाव को, उससे हानि को जानकारी के तहत इतना न कम कर दे वह बिल्कुल प्रभावहीन हो जाए, तो खतरा कुछ अगर जानकारी है तो उसके तहत खतरा कोई खतरा नहीं रह जाता है, वह एक मामूली छोटा सा
घटना टाइप का हो जाता है तो हमें जानकारी रखनी होगी। तो खतरा को हम टाल नहीं सकते हैं, खतरे के बाद होने वाली सावधानी, बचाव और खतरा के समय तुरंत अगर जानकारी हो तो जानकारी से उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अब आते हैं लूपर के बारे में। यह जान लीजिए गर्मी के मौसम में अब जो माह चल रहा है कौन सा माह है? अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। इतने समय धूप कड़ी होती है, गर्मी काफी होती है और आप ध्यान देंगे कि इस समय जब गर्मी चरम पर होती है, अब गर्मी इस समय क्यों होती है यह सवाल का जवाब आपको क्लास में इसको बेहतर ढंग से बता पाएंगे, क्योंकि अभी लू के बारे में उनको बात करनी है। तो अभी आप पूछ सकते हैं कि इसी समय गर्मी क्यों होती है, तो यह विषय क्लास में इसको बेहतर ढंग से और बताएंगे। फिलहाल यह चार माह जब गर्मी पड़ती है तो इस गर्मी में हमें बचने की जरूरत है, हम उसे बचें। तो लू से बचने के लिए सबसे पहले पहला शर्त है, पहली जानकारी है कि आप जरूरत हो, अगर आपको जरूरत हो तब घर से धूप में निकले। अगर धूप ज्यादा है, काफी कड़ी धूप है, तो उस समय सबसे कड़ी धूप दिन में किस समय होती है? दोपहर में, यानी 11 बजे से लेके 2:30 बजे तक या 3 बजे तक। आप देखते होंगे मजदूर जब मजदूरी करते हैं तो उनको लंच का समय कौन सा दिया जाता है? 1 बजे। 12 से 1 या 2 तक बीच में रहता है और उससे भी नहीं होता है तो मजदूर 8 घंटा समय पुराने के लिए सुबह ज्यादा पहले आ जाते हैं और देर से वो अपना समय पूरा देते हैं। और बीच का जो समय होता है धूप का, कड़े धूप का, उस समय वो आराम करते हैं। तो उस समय की हम बात कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़े तो ही धूप में निकले, अन्यथा धूप से बचने का उपाय करें, यानी घर में पेड़ के नीचे अन्य किसी छांव में उतना देर दूसरे कामों में, ऐसा नहीं कि कहते घर में बैठ के समय बिताएं। और सारे बहुत काम हैं जो घर में बैठ के छांव में बैठ के किया जा सकता है तो उनको जो है देखना होगा। तो खेत में काम करने लायक है धूप में, उसका समय अलग रखे, उसका समय अलग रखे। और तो काम करने का समय अपना ढूंढ लीजिए, जो कड़ी धूप है जिस समय, उस समय आपको छांव में रहने वाला कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको निकलना पड़ जाए, आपको फिर भी निकलना पड़ जाए धूप में, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? धूप में अगर निकलना ही है तो क्या करना चाहिए, कोई बता सकते हैं? छाता, ठीक है छाता तो है, लेकिन काम करने वाले मजदूर के लिए, आपके लिए तो है छाता है, चल जाएगा। लेकिन यह हो गया कि फ्री वाली बात करें, फ्री वाली बात। पहला शर्त यह है कि शरीर आपका ज्यादा से ज्यादा ढका होना चाहिए। कड़ी धूप में पतला कपड़ा, सूती कपड़ा, उससे ज्यादा से ज्यादा शरीर ढका रहना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं
सर बोले हैं शरीर को ढकने के लिए, तो पहले सिर को ढकते ढकते पूरा चेहरा को भी ढक लिए, हमको बोले ढकने के लिए, तो फिर कोई काम नहीं होगा। तो शरीर ज्यादा से ज्यादा ढका होना चाहिए। दूसरी बात, सिर पे अगर जेंट्स हैं तो मुरेठा बांधते हैं वो बंधा होना चाहिए, किसान को भी वैसे होता है। अब आप हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको कड़ी धूप में उस समय घर जाने की जरूरत हो जाती है, घर विद्यालय से घर जाना होता है, तो छाता है, छाता रखनी चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो किताब है, किताब को सिर पे रख सकते हैं, सिर पे रख के जाएं और थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक घंटा में कम से कम पानी का, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और धूप से बचने का प्रयास करें। अब आ जाइए, सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए कि यहाँ कुछ रखा हुआ है, ये क्या है, ये घड़ा है, घड़ा में क्या भरे हैं, पानी, और पानी भर के सब में ढक्कन दिए हुए हैं, क्या है, सब में ढक्कन दिए हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, चार है, चार है। अब ये चार इसलिए है कि अपने विद्यालय में चार जगह चिन्हित किया गया है कि वहाँ जैसे सात आठ के लिए एक घड़ा, ऊपर में तीन चार के लिए एक घड़ा, पांच छह के लिए एक घड़ा और एक दो के लिए एक घड़ा, तो कुल कितने घड़ा हो गए, चार घड़े हो गए। और इसमें चारों में पानी भर के वहाँ पे जगह चिन्हित किया गया है, वहाँ इसको रखा जाएगा। इसमें प्रतिदिन पानी भर दिया जाएगा, ठंडे जल इसमें रहेंगे पीने के लिए। इसमें से अभी चूंकि मार्केट गए नहीं, उपलब्ध नहीं हो पाया, निकालने वाला पानी, निकालने वाला जो होता है ऐसे कड़ी लगा हुआ, वो आज मंगा लिया जाएगा पानी निकालने वाला, उससे निकाल के तब जाके पानी पीना है। क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में धूप कड़ी रहेगी, हो सकता है कि आपको परेशानी हो सके, तो उससे बचने के लिए यह घड़ा आपके क्लास वर्ग कक्ष के सामने, कहाँ पे, वर्ग कक्ष के सामने रहेगा। और आप कक्षा से जो निकलते हैं, आप जो कक्षा से निकलते हैं वह दो कार्य के लिए निकलते हैं, पानी पीने के लिए और पांच मिनट जो है वो बाथरूम जाने के लिए। तो बाथरूम भी आपका सभी वर्ग कक्ष के बगल में ही है और पानी पीने के लिए ही, पानी पीने के लिए भी बगल में ही व्यवस्था, बगल में व्यवस्था कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, धूप में आपको पानी पीने के लिए दूर तक नहीं जाना होगा। हालांकि अपने विद्यालय में ट्यूबवेल की व्यवस्था वह भी अच्छी है, ट्यूबवेल की व्यवस्था भी अच्छी है, सुचारू है, जो चल रहा है। अब इधर देखें, ट्यूबवेल को जरा चला के देखें, ट्यूबवेल की भी व्यवस्था हमारे विद्यालय में ये है, ठंडे जल का है और कुछ थोड़ी जो कमी है वो अगले शनिवार में इसको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, यहाँ जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसे दूर कर लिया जाएगा। और फिलहाल पानी पीने की समस्या बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद हम प्रत्येक कक्षा के सामने इस घड़े को रखेंगे। आप लोग इस घड़े से पानी को निकालेंगे। निकालने का तरीका, इधर देखिए, आप लोग जो खड़े हैं सुरक्षित शनिवार के बाल प्रेरक जो भी खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है यह घड़ा अपने जगह पे
होना चाहिए, इसको वहाँ पहुँचाने के लिए हमारे और कर्मचारी हैं, वो इसमें जल भर के, स्वच्छ जल भर के प्रतिदिन जगह पे पहुँचा देंगे। आप लोगों का काम है, यह धारा अपने जगह पे है कि नहीं है, इसमें पानी ताजा है कि नहीं है, और छोटे बच्चे जो इससे पानी निकालेंगे, निकालने का सही तरीका, एक ग्लास है, ग्लास में टंकी लगी हुई रहेगी जो कल उपलब्ध करा दिया जाएगा चारों घरा में, इसमें ऐसे डालना है, ऐसे निकाल के अलग दूसरे ग्लास में लेके पानी पीना है, कभी भी ग्लास घरे को ऐसे ढाड़ के गिरा के पानी नहीं निकालना है। यह ध्यान आप लोगों को, जो बड़े बच्चे हैं, जो बाल प्रेरक हैं, उनकी जिम्मेदारी, हम सबों की जिम्मेदारी बनती है इसकी व्यवस्था को हम बेहतर रखें। तो ये तो हो गई पीने की व्यवस्था, और अब लू पे फिर आते हैं। लू से बचने के लिए पुणे में एक चर्चा कर लेते हैं, पुणे तेजी से, लू से बचने के लिए हम शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढककर रखें। दूसरी बात, जरूरत के हिसाब से ही धूप में हम निकले, जब ज्यादा जरूरत हो जाए, अगर निकलना ही पड़ जाए तो हम कपड़े को, खेत अगर जाना पड़ गया तो कपड़े को भिंगा के, कपड़े को थोड़ा पानी निचोड़ लेंगे थोड़ा बहुत, और रेखा बांध लेंगे, क्या करेंगे, रेखा बांध लेंगे। और अब तो आधुनिक युग है, अब कहिएगा कि आधुनिक युग में चश्मा हम लगा सकते हैं आंख की सुरक्षा के लिए, गर्मी में लू के समय आप चश्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक युग में किसान भी क्यों ना हो, वो भी अगर चश्मा लगा के, गूगल वाले जो होते वो काला चश्मा अगर वो लगा ले और खेत जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आंख की सुरक्षा होगी और चेहरे का बचाव होगा। अब आप कपड़ा जो भिंगा के रखे हुए हैं, उस कपड़े को समय समय पर मुंह को, चेहरे को गीला करते रहें, पोंछते रहें। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ तो विद्यालय में आपका या पानी की व्यवस्था है, लेकिन आप कहीं यात्रा में है, आप यात्रा में हैं, तो निश्चित रूपेण सबको ये आदत डाल दें, एक बोतल उसमें पानी, घर का ही स्वच्छ पानी, पेयोग्य पीने योग्य पानी ले लें, और उसे निश्चित तौर पे साथ रखें। अगर सदस्य की संख्या ज्यादा है तो बोतल की संख्या उस हिसाब से रखें। अब परिस्थिति कुछ ऐसा बन जाता है, लड़का अगर सदस्य की संख्या ज्यादा हो गई है, सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई, सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई है, पानी कम है, तो आपको स्वविवेक से काम लेना होगा कि कम पानी में आप कम से कम थोड़ा पानी लें और होंठ को भिगा के रखें, मुंह में थोड़ा पानी ले, कुछ देर तक उसको रखें, क्या करें, कुछ देर तक उसको रखें मुंह में, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। पानी गिलास को लेने गया था एक लड़का, तो वो हम बताएंगे कि आप सदस्य ज्यादा है, पानी कम है, इसमें हम आपको बताए थे इस तरह पानी लेने के लिए, क्योंकि अभी हम ला नहीं पाए हैं, तो हम खुद वही गलती कर रहे हैं जो आपको कहे थे नहीं करने के लिए, इसको हम पानी इस तरह ले रहे हैं। अब यह देखिए, यह एक गिलास पानी है, मात्र एक गिलास पानी है, यानी आधा बोतल पानी आपके पास है, और 5-6 सदस्य हैं, और आपको एहसास है कि दूर दूर तक, अगले 2 घंटे तक पानी की कमी होगी, पानी उपलब्धता नहीं है, आपके पास मात्र इतना पानी है, तो आप क्या करेंगे,
प्यास लगी तो पूरा पी लेंगे नहीं, ऐसी परिस्थिति में आप अपने मुख, ये जो मुख गुहा है विज्ञान में जो कहते हैं मुख गुहा, इसको थोड़ा ले, क्योंकि बोतल में लेते हैं तो अलग से ढार के लेते हैं, या जूठा भी नहीं होना चाहिए, फिलहाल हम जूठा करके दिखा रहे हैं इसको, ये करके ऐसे करके रखे हम, क्योंकि यह हम बोलने के लिए, या बोलने के लिए हम पानी को अंदर कर लिए, पानी को कुछ ज्यादा देर तक मुंह में रखेंगे, क्या करेंगे कुछ ज्यादा देर तक रखेंगे, मुंह में घुमाएंगे पानी को, और उस हिसाब से पिएंगे कि मेरा ओठ भींग जाए, ओठ मेरा भींग जाए, और पानी थोड़ा ही ले और उसको अंदर ये तो हो गई। कम पानी में हमको व्यवस्था करना है, कम पानी में। अब जो है, अब यह ध्यान दीजिए, अब चले लू पर, लू लगने के बाद तुम लोग, आप लोग लू लगने की परिस्थिति में ये तो बचने का उपाय हो गया। अब जब लू लग जाए तो सीधी सी बात है, कपड़ा उसे ढकने का प्रयास करें, पानी पिलाए नहीं तो कल गुजरे, चेहरे को पानी से भिंगोए, चेहरे को पानी पिलाए नहीं, हाँ, और उसको जल्द से जल्द, पहला शर्त है कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, आजकल आजकल हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, हर गांव में एक डॉक्टर प्रैक्टिशनर सब घर में, हर मोहल्ले में करीब करीब है, आप जल्द से जल्द किसी भी नजदीकी गांव में ले जाए, वहां आज के समय में दवाई की उपलब्धता है, डॉक्टर या जिसको आप बोलते हैं छोटे प्रैक्टिशनर, उनकी उपलब्धता है, ये जूठा है तो उपलब्धता है, तो पहला ड्यूटी बनता है कि हमें वहां ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले प्राथमिक उपचार होती है, क्या होती है प्राथमिक उपचार, आप उसे गर्मी से बचने के लिए, गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे टिकोला, आम का छोटा रूप होता है टिकोला, 30 वर्ष के बाद घड़ा का पानी हम पी रहे हैं, आज से 30 वर्ष पहले पिए थे जब कुआं चलता था, है ना, सुरक्षित शनिवार के कृपा से, इस कार्यक्रम के कृपा से 30 वर्ष के बाद फिर आप ही की तरह जब बचपन में थे उस बचपन की याद को ताजा कर रहे हैं। तो पहली बात तो आसपास टिकोला का होता है, हाँ, तो गर्मी से बचने के लिए जो है तत्कालिक उस टिकोला से चटनी बनाते हैं, क्या बनाते हैं चटनी, खिलाने का भी उसको चटनी बना के, और जहाँ तक हो स्नान नहीं, पानी के हाथ कपड़ा गीला करके चेहरे को गीला करेंगे, उसको छांव में ले जाएंगे, छांव की व्यवस्था करेंगे और ले जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए एक बच्चा है उसको लू लग गया, जहाँ पे है तो बैठा है, लू लगने का पहचान है वह थक जाना, चेहरा शरीर का गर्म होना, और वह गर्म धूप में भी काम नहीं कर पाएगा, वह बैठ जाएगा, तो आप उसका पहचानना शुरू कीजिएगा, क्या बात है, शरीर का तापमान बढ़ गया, बुखार की तरह एहसास होगा, तो तापमान बढ़ गया धूप में, उसको छांव में ले जाएंगे। अब दो लड़के, आप जावेद और समरेश, आप दोनों आएंगे, आप बैठिए, इसको गांव तक ले जाना है,
इसको नजदीकी अस्पताल तक ले जाना है या एक बच्चा है तो उसको कैसे ले जाना है आप यह बताएंगे, उसको उठा के कैसे ले जाना है, वह पूरी तरह अस्वस्थ है, उसको उठा के ले जाना है। हाँ, यह लॉक हुआ, इस तरह इसको हम 1 से 2 किलोमीटर तक दूर ले जा सकते हैं। तो ठीक है परवल यहाँ पे रुक जाइए, फिर से दूसरे बच्चे करेंगे, इसको दूसरे बच्चे करेंगे। रुकिए, अभी रुकिए एक बार, हाँ पुनः एक बार इसको दिखाना है। और जब यह मॉक ड्रिल किया जाता है आप सबों को चाहिए हौसला अफजाई के लिए ताली बजानी चाहिए, है ना, सीखनी चाहिए। अगर ये बाल प्रेरक में थोड़ी भी गलतियां हो रही है तुरंत बोलिए कि सर ये और सुधार हो सकता है, आप हौसला अफजाई कर सकते हैं, आप भी आ सकते हैं बचाव के लिए। अब आप इसके अलावा दूसरा तरीका बताइए, कहिए। मान लीजिए एक और बच्चा है, यह बच्चा है, यह बच्चा को लू लग गया, कैसे पता कीजिएगा, थोड़ा बोलिए तो इसके सामने, कैसे पता कीजिएगा इसको, बन जाओ। मान लीजिए इस बच्चा को धूप में थे और यह बच्चा जाके थक गया या बैठ गया, जो काम कर रहा था तेजी से वो नहीं कर पा रहा, अब क्या समझिएगा, जोर से बोलिए। हाँ, शरीर का हम तापमान देखेंगे कि हमारा भी तापमान उस समय कैसा है और उसका तापमान कैसा है, वह थक क्यों गया, वह थकान महसूस करने के साथ वह सुस्त पड़ जाएगा। तो अगर यह बिहेव हो रहा है तो तुरंत आप क्या करेंगे, इसको छांव में ले जाने की व्यवस्था करेंगे। छांव में ले जाकर उसको थोड़ी देर आप देखेंगे और चेहरे को गीला कपड़ा से गीला करने का प्रयास करेंगे, अगर वह भी नहीं है तो आप त्वरित नजदीक के बगल में जो भी है गांव घर या अस्पताल प्राथमिक उपचार करते हुए उसको ले जाएंगे। तो दूसरा तरीका इसको आप कैसे ले जाएंगे यह बताइए, आप अकेले हैं, एक लड़का पड़ेगा, आप अकेले हैं, कैसे ले जाएंगे उसको, आप उसको उठाइए, उसको उठाइए आप, वो थोड़ा कुछ करेगा, वो बैठा हुआ, आप अकेले हैं, इसको हॉस्पिटल तक के नजदीकी गांव तक ले जाना है तो कैसे ले जाइएगा, आसानी से उसको परेशानी भी ना हो, इस तरह से दूर तक जाइएगा और वहां से आइएगा। तो ये तरीका है। अब इसके बाद रखिए, अब दूसरी बात है, यह ज्यादा अस्वस्थ हो गया है और बैठ गई, शांत रहिएगा। अब जो है यह इससे भी ज्यादा वजनदार रहेगा, ज्यादा वजनदार है, दो लड़के हैं तो स्ट्रेचर बनाने के लिए बताए थे, जी सर स्ट्रेचर बनाना है, लेकिन अस्वस्थ होने वाला व्यक्ति ज्यादा हेल्दी है, आप उनसे ज्यादा उतना ताकतवर नहीं है, तब क्या कीजिएगा, तब इस बच्चे को मान लीजिए यह ज्यादा ताकतवर यह है तो उठाएंगे और यहाँ तक ये तरीका है, इसको पीछे भी पकड़ेंगे और इसको यहाँ से ले जाएंगे, यह तरीका, यह देख लीजिए, इसलिए कि यह इसका सिर भी अस्थिर हो, शरीर अस्थिर हो और यह पीछे स्लिप भी ना करे, क्योंकि यह अकेला है और वजन में आपसे बड़ा है, आप ज्यादा झुकेंगे नहीं, आप सीधा रहेंगे और सुरक्षित जगह पे जाके थोड़ी दूर जाके अपने आप को बचाते हुए भी
इसको सुरक्षित जगह पे प्राथमिक उपचार करते हुए वहाँ तक लेके जाएंगे और वहाँ जाके इसको पटक नहीं देना है आपको, क्योंकि आप इनकी सेवा कर रहे हैं उस समय या उल्टी भी कर सकता है, या दस्त भी कर सकता है, या पेशाब भी कर सकता है, हो सकता है और भी गंदगी कर सकता है। तो उस परिस्थिति में आपको गंदगी का या रोगी से भेदभाव नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि सेवा करने में कतई न देखें यह दोस्त है या दुश्मन है, कौन है, मेरे पहचान का है या नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वह रोगी है, हम स्वस्थ आदमी हैं, हमारा फर्ज है हम उसकी सुरक्षा करें, उसका सेवा करें। यह तो बात हो गई जेंस था, यह तो जेंस था, आप उठा लिए। अब वह लेडीज है, उनको कैसे उठाना होगा यह भी देखें। मान लो यह लेडीज है, इसको उठाएंगे तो उस परिस्थिति में पहला बात तो चूंकि अस्वस्थ है, मेरा ये तरीका रहेगा, पहला यह तरीका है, क्योंकि यह देख लीजिए यह तरीका से उठा के ले जाने का प्रयास करेंगे। एक तरीका यह है, लेकिन अब मान लीजिए यह ज्यादा दूरी हमारे वजन पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए इसको उठाए, हम भी थक जाएंगे तो ये तो हो नहीं सकता है, कुछ दूरी पर ले जाएंगे, फिर आराम करेंगे और फिर ले जाएंगे। यह लेडीज था, लेडीज को और ज्यादा वजनदार हाथ से नहीं उठा सकते हैं। अंतिम व्यवस्था है, अंतिम जो है इसको तब तो मान लो इस तरफ से आप चिल्ला लोरी खेलते हैं ना, चिल्ला लोरी, ठीक है, इसको ऐसे पूरे शरीर पर उसको दिक्कत ना हो कुछ, लेकिन कपड़ा फिर ढकना होगा चेहरे पर, परेशानी ना हो। लेकिन महिला के लिए सुरक्षित तरीका यही होगा, इसको ऐसे उठाएंगे और लेके जाएंगे। जेंट्स हैं तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी ये कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा खतरे में है तब फिर लेडीज जेंट्स का फर्क उतना नहीं करेंगे, हमको प्राथमिकता है उसकी सुरक्षा करना, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना। तो ये था आज का सुरक्षित कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात, ये आपका सत्र 2019-20 जो नया सत्र है, सत्र 2019-20 इस सत्र का पहला शनिवार था आज। और कुछ प्रक्रिया है फोकल शिक्षक का, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार था आप सबों को लू के बारे में जानकारी देना, वो हमने अपने जानकारी के हिसाब से, हमें जो प्रशिक्षण में बताया गया उस हिसाब से जानकारी दिए। पीने का या जल का व्यवस्था है, सभी कमरे में, कमरे के बाहर पहुंचाया जाएगा। तो आज का ये था सुरक्षित शनिवार। अब ये हमारे प्रारंभ का समय है, चूंकि ये सत्र के प्रारंभ का है तो हमारे अब जान लें सर सिद्दीकी सर जी, वो नए सत्र में और लू के बारे में संक्षेप में कुछ बताएंगे। प्राधिकरण और शिक्षा विभाग के संयुक्त आदेश से प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आप जितने बच्चे हैं वह समाज से आए हैं और आपदा कई तरह का होता है, प्राकृतिक आपदा भी होता है,
लगभग आपदा प्राकृतिक ही होता है, आग लगी होती है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है, लू लगता है, यह सब प्राकृतिक आपदा। इससे कैसे बचाव हो इसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए और खासकर मानसिक रूप से आप लोगों को तैयार रहने के लिए प्रत्येक शनिवार को विद्यालय में सुरक्षित परिवार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले सत्र में काफी उम्दा तरीके से मध्य विद्यालय में प्रदर्शन किया सुरक्षित परिवार। हम विद्यालय परिवार की ओर से आशा करते हैं कि सत्र में भी सुरक्षित परिवार अपनी नई विद्यालयों को जोड़ेगा। यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय को प्रतिष्ठा प्रदान करेगा और हम सभी चौसा का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। तो आज का यह सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पहला शनिवार था। अब आज की कार्रवाई को या कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है और उम्मीद करते हैं अगले शनिवार को पुनः अगले खतरों पर हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।